हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि VLC प्लेयर से आप किसी भी वीडियो को वो कंपोज कैसे कर सकते हो। इसकी वजह से हार्ड डिस्क के अंदर भी स्पेस है वो बना रहेगा। आपका कोई भी वीडियो है या मूवी है, आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस कम हो गया और आप उनको कंपोज करना चाहते हो, यानी 1 GB की कोई फाइल है उसको आप 100 MB में है वो कंपोज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हो, तो सॉफ्टवेयर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आमतौर पर लगभग जितने भी लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते होंगे उनके अंदर VLC प्लेयर तो है वो जरूर मिलेगा। यदि नहीं है तो आप गूगल पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि VLC प्लेयर से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ VLC प्लेयर से आप वो MP3 में भी वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो। यदि आपके पास कोई वीडियो है उसको आप MP3 के अंदर है वो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे कि वीडियो को है वो कंपोज कैसे करेंगे। आपको एकदम पूरा का पूरा क्लियर बताऊंगा और आपको खुद को दिखाऊंगा कि मैं कितने MB की फाइल ले रहा हूं और उसको कंपोज करने के बाद में वो कितने MB की हो जाती है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को आपको वो अंत तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर है वो VLC प्लेयर है वो ओपन करना है। आमतौर पर लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर VLC प्लेयर है वो सब लोग रखते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि VLC प्लेयर आप सब यूज करते हो तो आपको अदर कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत ही न पड़े, उसे भी आप वीडियो को है वो कंपोज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले VLC प्लेयर को ओपन कर लीजिए। मैंने VLC प्लेयर को वो ओपन कर लिया है। तो VLC प्लेयर को आप जैसे ही ओपन करते हो, ओपन करने के बाद में आपको मीडिया के अंदर क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया के अंदर क्लिक करोगे तब आपको नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट या सेव, या आपको इसको सीधा ओपन कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो अलर्ट के साथ R दबा के। तो यहाँ पे कन्वर्ट और सेव का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गौर से देखिए, मैं आपको यहाँ पे टिक करके और दिखा देता हूँ। तो इससे आप बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तब तो आपको यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे फिर आपको वो वीडियो सेलेक्ट करना है जिसे आप वो कंपोज करना चाहते हो। जैसे मैं USB के अंदर आया, ये देखिए एक मेरा वीडियो है। इस वीडियो की मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ कितनी है। ये 228 MB का वीडियो है टोटल। अब मैं इसको कंपोज करूंगा, यानी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे अदर और कोई भी सेटिंग है वो नहीं करनी है। हाँ, एक मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, एक रिकॉर्डिंग वाला है वो यहाँ पे आपको कैप्चर वाले में मिलेगा, वो अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग कंपोज करना ही सीखेंगे। सारा स्टेप बाय स्टेप मैं 1x1 वीडियो बना के सारे वीडियो है वो आपको अपलोड करता रहूंगा, ताकि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी नॉलेज है वो आपका बढ़ता रहे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट व सेव पे वो क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ कन्वर्ट और सेव पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि वीडियो को आपको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं सिंपली वीडियो का वो H264 के अंदर MP4 के अंदर है वो करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद में ये पूछ रहा है कि आप इस फाइल को वो कहाँ सेव करना चाहते हो। तो मैं इस फाइल को सिंपली अपने डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर बना हुआ है सत्यपाल शर्मा नाम से, इसके अंदर है वो सेव करना चाहता हूँ। जस्ट ही मैंने आपको अभी पीछे दिखाया है वो कितने MB का है, जितने भी MB का है वो आप लोग देख लोगे, उसके कन्वर्ट होने के बाद आप देख लेना। यहाँ पे आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, ऑल नहीं करना है हमें, MP3 के अंदर करना है। ऑल का ऑप्शन आया उससे हमें कोई मतलब नहीं, MP3 में हमें कन्वर्ट करना है तो MP3 के अंदर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वो सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए वीडियो वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। ये वीडियो पूरा कन्वर्ट होगा, यहाँ देखिए 1 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, ये पूरा का पूरा कहाँ तक जाएगा पता ही आपको, पूरा का पूरा है वो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं दिखाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर जैसे ही आगे कवर होता है उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखिए वीडियो है वो लगभग है वो कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे ही कन्वर्ट होता है, कंप्लीट होता है, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल है वो कितनी कंपोज हुई है। पहले वाली मैंने आपको दिखाई 200+ MB की थी, कंपोज होने के बाद में कितनी होती है वो भी आपको चेक कराता हूँ कितना होता है। ठीक है, तो जो फाइल थी वो मैंने कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे सेव की थी,
ये रहा अपना डेस्कटॉप, ये रहा, और क्या नाम से था, सत्यपाल शर्मा नाम से, ये रहा, ये रही जो वीडियो थी आपकी, कितनी हुई 64 MB की, 64.9 यानी 65 MB की मानो आप, तो आप खुद देख लो कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है आपकी। तो ऐसे आप कंपोज करके क्वालिटी बिल्कुल भी लूज नहीं होगी, जैसी आप क्वालिटी पहले वीडियो के अंदर थी वैसी क्वालिटी रहेगी। हाँ, लेकिन MB का फर्क आएगा ही, वो जो आपके सामने आप देख ही रहे हो, इससे आपके हार्ड डिस्क के अंदर भी काफ़ी स्पेस हो जाता है। जो वीडियो हेवी क्वालिटी के हैं उन्होंने काफ़ी हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस ले रखा है, तो ऐसे आप वो फ्री कर सकते हो। दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ, और टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो है वो फ्री में देखें। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ फायदा हो। धन्यवाद।